मेरा नाम अर्जुन कुंडी बाबा रेड्डी, मैं पुलकर खेड़ गाँव का रहने वाला हूँ, तालुका सिरोही जिला पुणे। मेरा यहाँ 5 एकड़ जमीन है, तो उधर धंधा किया था मैंने, उसको लाइट का प्रॉब्लम था, पानी नहीं मिल रहा था, कुएं में पानी बहुत है लेकिन लाइट का प्रॉब्लम था। वो लाइट 2 दिन आती थी 2 दिन जाती थी, इसलिए मैंने सोचा सोलर का पंप बिठाओ। मेरा नाम अमोल विनायक धोमे, गांव पिंपरखेड़े, तालुका शिरूर है, डिस्ट्रिक्ट पुणे, 6 एकड़ खेती है। हमारे यहाँ पे ना सोलर पंप बैठाने की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि लाइट का बहुत प्रॉब्लम था, लोड शेडिंग रहता था, लाइट नहीं इधर हुई। कभी कुएं के लिए मैंने सोलर पंप बैठाया है, वो 3 HP का है। मेरी पूरी 6 एकड़ खेती है, लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा है, उस तक मैंने पानी ले लिया और उस तरफ भी 1 किलोमीटर पानी लिया है। वो लगभग 3000 फुट होगा, 3000 या 3500 फुट होगा, उधर भी बहुत अच्छे से पानी चलता है। ये सोलर पंप हमने महाऊर्जा की तरफ से पीएम कुसुम योजना की ओर से बिठाया है। इसमें 9 पैनल आते हैं 3 HP में, और एक पैनल 335 वॉट का रहता है, और 15 पैनल रहते हैं 5 HP में, जिनका एक पैनल 325 वॉट का रहता है। इसका DC पंप है जो दूर तक जा सकता है। इसका कैपेसिटी रेंज अभी हमने जो चेक किया था वो कम से कम 2.5 किलोमीटर तक गया था। फार्मर को इसके पहले जो फार्मर्स थे इनको पहले बिजली लगती थी या फिर उनको डीजल जनरेटर यूज़ करना पड़ता था। बिजली का प्रॉब्लम है कि इधर बिजली मिलती नहीं है जल्दी से, और डीजल का तो रेट आपको पता ही है कि वो हमेशा फ्लक्चुएशन में रहता है। तो इस वजह से सोलर पंप इनको बढ़िया सपोर्ट कर रहा है, और ये फ्री नेचुरल रिसोर्सेज है जो हम कभी यूटिलाइज नहीं करते थे। ये ओपन वेल में यूज़ होता है, कैनॉल में यूज़ होता है, और बोरवेल में यूज़ होता है। और कोल्डी सोलर पंप बैठाने से पहले मेरे को बहुत खर्चा आता था लाइट का, 10-20 हज़ार रुपये खर्चा आता था लाइट बिल का। तो अभी वो कोल्डी सोलर बैठाने के बाद कुछ खर्चा नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और पानी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सुबह से चालू होता है शाम तक रहता है, और वो चालू बंद करने का कुछ प्रॉब्लम नहीं, मोबाइल पर ही चालू बंद होता है, और खर्चा भी कुछ नहीं आ रही, इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती, और उसका कुछ मेंटेनेंस भी नहीं रहता। हमें पूरा एक पंप बैठाने के लिए सिर्फ 20 हज़ार रुपये खर्चा आया है, उसके हमें गवर्नमेंट से अनुदान भी आया है, वो पूरा 2 या 2.5 लाख तक खर्चा आता है उसका पर्सनल लिए। तो वो हमें गवर्नमेंट के अनुदान से 20 ही हज़ार से मिला है, मतलब वो 20 हज़ार भी जीरो कॉस्ट है, इतना फ़ायदा है इससे।